कैन क्रिएट द टू वी कैन क्रिएट द सिमुलेशन 2D सिमुलेशन एनिमेशन यूजिंग दिस टूल एंड दिस इज कॉल्ड अ सैंड बॉक्स. सैंड बॉक्स मीन्स लाइक किड्स यूज टू प्ले विद द सैंड एंड दे क्रिएट एनीथिंग यूजिंग देयर एनिमेशन. इन अ सेम वे ऑन एल्गोडू वी कैन यूज अवर इमेजिनेशन एंड क्रिएट एनीथिंग इंटरेस्टिंग विच इज रिलेटेड टू द फिजिक्स. एंड दिस इज अ ग्रेट टूल. यू विल एंजॉय वाइल एक्सप्लोरिंग दिस टूल टू विजुअलाइज द फिजिक्स इन मोशन एंड इट इज वेरी गुड फॉर द मैकेनिक्स प्रॉब्लम एंड वेरी सिंपल टूल. वी रिक्वायर नो कोडिंग फॉर दिस. सो एल्गोडो कैन बी यूज एज अ एनिमेशन टूल, सिमुलेशन टूल, इंजीनियरिंग टूल, गेमिंग टूल. बट हेयर आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट एनिमेशन द सिमुलेशन ऑन द एल्गोडो. नाउ फीचर्स क्या है एल्गोडो के? फ्री टू यूज है एंड वेरी यूजर फ्रेंडली डिजाइन इंटरफेस है. एनी वन कैन वर्क ऑन दिस. एंड जितना हम इसको एल्गोडो को एक्सप्लोर करते जाएंगे उतनी हमारी लर्निंग बहुत फन बनती जाएगी. एंड प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के उनको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सिमुलेशन फंडामेंटल फिजिक्स की और ये कंसेप्चुअल नॉलेज की लर्नर की जब हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं कोई भी सिमुलेशन तो फिर उससे क्या हमारी नॉलेज और इनहेंस होती है. और इसके साथ साथ ही हम कोई भी अगर मैकेनिक्स की प्रॉब्लम हो, मोशन से रिलेटेड हो, तो उसका अगर हमें एनालिसिस या रिजल्ट चाहिए सिमुलेशन का तो हमें उसका आउटपुट ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है. तो ये टूल एकेडमिक पर्पज के लिए बहुत अच्छा है. अभी कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ये एल्गोरिक सिमुलेशन एबी पे बेस्ड है जिसमें मल्टी फिजिक्स मतलब मल्टीपल कंसेप्ट के लिए सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं. और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज दोनों के लिए कंपेटेबल है. आप दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं. इवन हम जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं, क्लासमेट पीसी होते हैं, उन पे भी ये ऑप्टिमाइज है. अब इसके राइट्स क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है एल्गोडो की? ये फ्री है लेकिन फिर भी इसका ये है कि जो इसका सॉफ्टवेयर है हम उसको ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना रेंट कर सकते हैं, ना लीज पे दे सकते हैं, ना लोन, ना रिडिस्ट्रीब्यूट, ना ही उससे कोई डेरिवेटिव वर्क उस सॉफ्टवेयर से हम निकाल सकते हैं. एंड ये सॉफ्टवेयर ऐसे क्रिएट किया गया है कि इसका जो ऑब्जेक्ट कोड है वो एक सिंगल कंप्यूटर पे ही वर्क कर सकता है. कि अगर मैंने एक कंप्यूटर पे मैं वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने वहां पे अपना कुछ जो सिमुलेशन है वो अगर मैंने सेव कर लिया तो वो मैं दूसरे वही सेम सिमुलेशन वही वाला टैब मैं दूसरे उस पर कंप्यूटर पे नहीं खोल सकती. जो मैंने काम किया मेरे को वो उसी ही कंप्यूटर पे ही दिखेगा. उसके साथ साथ ना ही जो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उसके सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं, सारे प्रोहिबिटेड है. एंड इन सेम में ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना डुप्लीकेट कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को. नाउ लेट्स लर्न द एल्गोडो. So without wasting time, so first we have to visit on the elgodo.com. So I will type the in the browser. So this is the elgodo.com. We have to type in the elgodo.com. आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस ओके. So this is the Elgodo website. So here you can download it. You can see here download option. So you can download for Mac and iPad also and Windows. So here you can also get the knowledge about the Elgodo. What is this about, its features, what are the elements here, how to analyze the content. And tutorials also you will get. And Elgo box here we can upload our simulation. Should we create something, we can upload here. So first we have to log in here, and after we have for login here we have to register ourselves. So register करने के बाद ये एक दो दिन लेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. एंड फॉरम में अगर हमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी कंसेप्ट सर्च करना हो तो हमें फॉरम में वो सब मिल जाएगा.
अगर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा। डाउनलोड करने के बाद, जब मैं डाउनलोड कर लूंगी, इंस्टॉल करने के बाद आप मेरे, इंस्टॉल करने के बाद जब मैं एल्गोडो को ओपन करूंगी तो ये इसकी होम स्क्रीन ऐसी कुछ दिखेगी। आपको होम स्क्रीन दिख रही है इसकी? यस ओके, तो जब मैं एल्गोडो को इंस्टॉल करने के बाद जब मैं ओपन करूंगी तो मेरे को ये सब दिखेगा। तो सबसे पहले सेटअप दिखेगा। सेटअप में क्या है कि अगर हमें इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, तो वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सेट योर लैंग्वेज, एक्टिवेट एल्गोडू, या इनपुट डिवाइस अगर हमें चाहिए, इवन ये टच स्क्रीन टैब्स पे भी कर सकते हैं, तो टच स्क्रीन का ऑप्शन भी है इसमें। उसके बाद अगर लैंग्वेज अगर हमें चेंज करनी है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे अगर अभी मैंने डार्क मोड लेआउट चूज किया हुआ, अगर मैं लाइट करना चाहूँ तो लाइट हो सकता है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। एंड इनपुट डिवाइसेस आप क्या लेना चाहोगे, माउस एंड कीबोर्ड से कंफर्टेबल, या फिर अगर आपके पास आईपैड है या फिर कोई भी टैब है तो उसकी टच स्क्रीन से। तो मैं यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड का यूज कर रही हूँ। फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है कि यहाँ पे सेटिंग्स में दिया है कि आप सेटिंग्स में जाके ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूटोरियल्स है कि एल्गोडो के बारे में बेसिक्स अगर हमें देखना है कि हम कैसे करें, तो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे टूल्स के बारे में। तो मैं एक एक करके सारे टूल्स के बारे में आपको बताऊंगी। और उसके बाद लेसन्स भी है। लेसन्स जो लोगों ने अपने फिजिक्स से रिलेटेड या उनका जो भी था उसमें, उन कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी उन्होंने वहाँ पे डाला है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो सेम ये हमें वेबसाइट पे भी दिखेगा। तो अब यहाँ पे आप अगर लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की साइड देखेंगे तो ये मेरा, यहाँ पे मेरे डिफरेंट ऑप्शन से टैब से रिलेटेड ये टॉप मेन्यू है मेरा, और यहाँ पे ये वाला मेरा ब्राउजर है कि हम यहाँ पे न्यू सीन्स लेके आ सकते हैं। अगर कुछ शेयर करना हो, सेव करना हो, तो वो सब सीन्स यहाँ पे रहेंगे। और ये मेरे टूल बार ऑप्शन है नीचे की साइड, मैं आपको ये अपने प्रेजेंटेशन में दिखाती हूँ। जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा नीचे की साइड है टूल बार, जो रेड कलर, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। कुछ मेरे ड्राइंग टूल्स है जिससे हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे, कुछ एडिटिंग टूल्स है रिसाइज करना है, एंड कुछ जो हमारे फिजिक्स एलिमेंट जो हमारे सिमुलेशंस में आ सके, कुछ टूल्स हमारे वो है। उसके बाद ऊपर हमारा ब्राउजर एंड टॉप मेन्यू है, जहाँ पे हमें टॉगल प्ले मोड में क्या होगा, तो अगर हम स्क्रीन को बड़ा या छोटा करना है वो कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल सेव कर सकते हैं, हेल्प के लिए चाहिए तो यहाँ पे हेल्प ऑप्शन भी है। एंड ब्राउज ब्राउजर में हम न्यू सीन्स है हमारे सेव कर सकते हैं, जो भी सिमुलेशन मैंने क्रिएट करी है माई सीन्स में आएगा वो। एल्गो बॉक्स में जितने भी लोगों ने अपने कंटेंट डाला है वो आपको दिखेगा। कंपोनेंट्स में कोई भी अगर आपको सिमुलेशन में, जैसे अगर कार चाहिए, कोई भी कंपोनेंट है, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेंस है या कुछ भी, वो सब यहाँ पे मिलेगा। और लेसन्स में अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट जो इन्होंने अपलोड किए हो इससे रिलेटेड, तो वहां से आप आइडिया ले सकते हैं। और राइट कॉर्नर में आप देखोगे तो जब ओपन करोगे तो आपको ये तीन टैब्स दिखेंगे प्रॉपर्टीज के, कि अगर हमने कोई बॉक्स बनाया, बॉल बनाई है, तो उसके जो मटेरियल है वो चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसकी वेलोसिटी, मास में कोई चेंज करना है, वो सब चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड नीचे की साइड अगर आप देखो तो सिमुलेशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट चेंज मतलब मेरे को ग्रेविटी लानी है, ग्रेविटी को बंद करना है, एयर रेजिस्टेंस को ऑन करना है, मेरे को ग्रिड चाहिए स्क्रीन पे, वो सब ले सकते हैं। सिमुलेशन को चलाना है या बंद करना है, पैन को मूव करना है, स्क्रीन
को जूम इन जूम आउट करना, वो सारे ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे नीचे मिलेंगे। तो ये मेरे ड्राइंग टूल्स है सारे, जो टूल बार ऑप्शंस है, जो फर्स्ट आठ हमारे आइकन दिए हैं उनमें हमारा स्केच है, ब्रश है, पॉलीगन है, प्लेन है, ये सब है। ये मैंने उनसे ऐसे ही बना के देखा था। एंड इसके बाद रिसाइजिंग और एडिटिंग टूल्स है हमारे उस टूल बार में, मैं आपको भी दिखाती हूँ। एंड कुछ एडिटिंग टूल्स है, और फिजिक्स सिमुलेशंस के लिए जो फिजिक्स ऐड करेंगे किसी सिमुलेशन वो है। अब जैसे मैंने कुछ सिमुलेशंस बनाई थी, मैं पहले आप लोगों को वो दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको दिख रही है सिमुलेशन सिंपल पेंडुलम की, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्लीज नो रिस्पॉन्ड मैडम, सिमुलेशन आर्यभट्ट, इज नॉट ऑन। आपको नहीं दिख रहा है? वी कैन ओके एबल ओके टू सी स्क्रीन बट स्टिल वी कैन नॉट सी सो सिमुलेशन। ओके आई एम शोइंग द सिमुलेशन अगेन। सो नाउ यू एबल टू सी द सिमुलेशन? यस यस ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम का है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का सम यहाँ पे ग्राफिकली दिख रहा है। इन अ सेम वे आई एम शेयरिंग द अनदर सिमुलेशन। ये सिमुलेशन मेरी दिख रही है लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड। दिख रही है। तो ये कैसे एल्गोडू की तरह है? एक मैंने इनर्शिया के लिए ये मैंने किया हुआ। इसके साथ साथ एक मेरा फ्री फॉल में भी है। तो दीज आर वेरी बेसिक सिमुलेशन, एंड इफ वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वी कैन क्रिएट अ वेरी गुड वर्क यूजिंग दी दिस टूल। सो लेट्स कम टू द एल्गोरिथम। सो आई विल टॉक अबाउट एवरी टूल वन बाई वन। तो यू कैन सी द स्क्रीन ऑफ द एल्गोडू, होम स्क्रीन ऑफ द एल्गोडू। सो यस दिस इज द टूल बार। सो फर्स्ट वन इज द ड्राइंग टूल, फर्स्ट सिक्स आर द ड्राइंग टूल, यू कैन सी बाय द येलो कलर। सो फर्स्ट वन इज द स्केच टूल। स्केच टूल इज बेसिकली ऑल टूल्स, ऑल दीज टूल्स आर रैप इन इन दिस सिंगल टूल। यूजिंग दिस वी कैन डू द वर्क ऑफ अदर टूल्स ऑल्सो। सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ ट्राइंगल, सो वी हैव टू होल्ड द माउस, देन इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट टू द वेरी इवन
ट्राइंगल इन द सेम वे इफ आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल आई हैव टू वेट लिटिल बिट एंड इट विल कम इन द सर्कल एंड इफ आई ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दिस सो इट विल डिलीट दिस सर्कल एंड इन द सेम वे देन अगर मेरे को इसको कट करना है ये इसको टू पार्ट में कट कर देगा और मेरे को किसी सिमुलेशन को प्ले करना है तो मेरे को जस्ट इसको नीचे की साइड ऐसे करना है फिर सिमुलेशन को प्ले कर देगा ऊपर की साइड अगर मैं करती हूँ नीचे की साइड अगर अगेन करती थी जो सिमुलेशन अगर हमारी चल रही है तो उसको पॉज कर देगी तो इस टूल के बारे में स्केच टूल के बारे में जब यहाँ पे क्लिक करेंगे यू विल गेट द हाउ टू यूज दिस टूल सो वन बाय वन कि हम इसे इन और सारे टूल्स का ऐसे हेल्प मिल सकती है सिंगल टूल से वो सारे ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सेम ये सेकंड वन है ये नाइफ का है जो कट करने के लिए किसी भी चीज को अगर कट करना है इक्वल पार्ट में या टू पार्ट में करना है तो हम इसका करेंगे थर्ड वन इज द मूव टू कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो एंड फोर्थ वन इज द ड्रैग टूल इफ इन द रनिंग सिमुलेशन इफ यू हैव टू ड्रैग द एनी ऑब्जेक्ट सो वी कैन यूज दिस इफ यू वॉन्ट टू रोटेट द ऑब्जेक्ट वी यूज दिस टूल एंड इफ यू वॉन्ट टू resize that selected object. So we will use this tool. And here these are the editing tools also. So if we want to erase something, this is the eraser. This is a brush. Using polygon, we can create anything. These are gears. This is simple box. If you want to create a box, like if we hold the shift. So it will create a square. This is a circle tool. And if you want to, you can see the this plane. If you, I want to change this plane, so I will click on this. And this plane will come. And if you, I want to draw a rope, so I have just to drag this like this, and it will draw a rope. And last ones all are related to the physics, like spring. And if you want to fix something, fix it. Axle. Thruster is to give the force to move something. This is a laser light. And this is a tracer. And last one is the if we draw something and we change the texture so it will start moving the texture. Okay, so I will draw each and every. So first if I click on this new scene, so you can see the different palettes. So we can choose as per our convenience. So if it's whatever we like, we can choose any palette. So this one is the default palette. So I'm choosing this. So here I am drawing a car. So first I draw rectangle. Now I need a tire. So I require the two tires. So I will click on this and click on clone. So it will make a copy of me. So they are not joined. So when I click on the simulation, they will start moving like this. So I will undo this. So I have to add the axle in. So I will click on this axle. Add the axle. Okay. So still it is not moving. So I will right click. And on axle you will see the
आई विल टिक मार्क द मोटर. इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट दिस कार, सो आई विल क्लिक ऑन द मोटर. इन अ सेम वे ऑन द सेकेंड एक्सल ऑल्सो आई विल क्लिक ऑन द मोटर. एंड यू कैन सी हियर, यू कैन चेंज द मोटर स्पीड, मोटर टॉर्क ऑल्सो, एंड एट द फॉरवर्ड की, बैकवर्ड, बैक की, ब्रेक की. सो हम ये कीज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं. आई विल क्लिक ऑन द प्ले एंड यू कैन सी द कार इज मूविंग. एंड आप देख सकते हैं कि अभी कार जो है मेरी फ्रेम से बाहर चली गई है. तो मेरे को उसको फॉलो करने के लिए मैं इस पैन को अगर ऐसे मूव करती हूँ तो मेरे को बार बार ये करना होगा. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैंने क्लिक करा, सेलेक्शन पे गए एंड फॉलो पे क्लिक करा. फॉलो पे क्या होगा कि जहां जहां पे मूव करेगी स्क्रीन भी हमारी उसी के साथ मूव करती जाएगी. अब इस मोशन का अगर मेरे को प्लॉट चाहिए कि अभी ये एक फ्लैट सरफेस पे अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो मेरे को इसका प्लॉट चाहिए. तो मैं राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे शो प्लॉट का ऑप्शन आएगा. एंड मेरे को टाइम एंड स्पीड का चाहिए, डिस्टेंस का चाहिए, तो मैं कोई भी, अगर मैं यहाँ पे पोजिशन का देखती हूँ एंड आई विल अगेन प्ले द सिमुलेशन. You will see that there is no change in the view. Object is moving uniformly. And अगर मैं यहाँ पे प्लेन चेंज कर दूँ, मैम ये बॉक्स कहाँ से आया था अभी जो दिखलाए थे? सर ये बॉक्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको अच्छा जी लेफ्ट जी साइड में, ठीक 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 यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं. आपको स्क्वायर में चाहिए या कैसे चाहिए? नहीं, जिसमें ग्राफ चल रहा था अभी जस्ट अच्छा आपने किया ग्राफ था वो। सर. अच्छा सर, जैसे अगर आप इस ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट अच्छा क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे. तो इसमें शो प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अच्छा ऑप्शन देगा आपको ये एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए. सो प्लॉट में ओके आपको एक्सेस दिखाने हैं, लीगेंड्स दिखाने हैं, ये सब आप यहाँ पे. एंड इवन आप इसको इमेज फाइल की तरह सेव भी कर सकते हैं, जो आपका प्लॉट आएगा तो सेव भी कर सकते हैं. जी। तो अगर मैं यहाँ पे, अब मेरे को नॉन यूनिफॉर्म मोशन चाहिए, अगर मैं प्लेन चेंज करती हूँ, अगर मैं थोड़ा प्लेन चेंज कर देती हूँ, तो अब मेरे को अगर इसका प्लॉट चाहिए तो अगेन मैं शो प्लॉट पे जाऊंगी, इसकी पोजीशन पे, एंड अगेन सिमुलेशन को ऑन करूंगी. ये अभी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है. मैं यहाँ यहाँ से अगर शो प्लॉट पे जाऊंगी, तब देखिए ग्राफ में चेंज आया है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है. और सेम वे में अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा, उसको राइट क्लिक करा, उसकी उसका कलर चेंज कर दिया मैंने, अपीयरेंस में जाके मैंने उसको ब्राउन कलर दे दिया. और इसको फिर अब अगर मैं प्ले करती थी ऊपर की साइड चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टिक रहे तो मैं सेम फिर से इस सर्कल को लूंगी, राइट क्लिक करूंगी, ज्योमेट्री एक्शन से जाऊंगी, तो ग्लू टू बैकग्राउंड, के बैकग्राउंड में इसको ये पेस्ट कर देगा, वहां से हटेगा नहीं.
अब इसका अगर मैं प्लॉट देखती हूँ, वेलोसिटी, तो ऐसे हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। मोशन के हम और सारे ऑप्शंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपको और कुछ कंसेप्ट बताती हूँ। फिर से मैं न्यू सीन पे जाऊंगी। तो अब मैं लिक्विड से रिलेटेड बताती हूँ, फ्लूइड से रिलेटेड, कि अगर मेरे पास, मैंने एक बॉक्स ली, मेरे को इसको कंटेनर बनाना है। तो कंटेनर में अब मेरे को ये एम्प्टी चाहिए, तो सबसे पहले फिर मैं फिर से एक और बॉक्स ड्रॉ करूंगी। अब इस बॉक्स का मेरे को साइज थोड़ा सा बढ़ाना है नीचे की साइड, ताकि मैं कंटेनर, होलो कंटेनर बना सकूँ। ठीक, अब मैं अगेन राइट क्लिक करूंगी, कंबाइन शेप से जाऊंगी। वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि शेप्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे में सब्ट्रैक्ट करूंगी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये इतना पार्ट इस बॉक्स से निकाल दूं, तो वापस इस बॉक्स में यहाँ पे लेके आऊंगी। तो मेरे को इस बॉक्स में पानी थी, तो मैं पानी कहाँ से लेके आऊँ? तो ये जो बॉक्स मैंने कट करा है, इसको सेलेक्ट करके फिर से अगर मैं राइट क्लिक करती थी, यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन देखोगे लिक्विफाई, लिक्विफाई पे क्लिक करूंगी तो इसको वाटर में चेंज कर दूंगी। तो मैं सिमुलेशन फिर से प्ले करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा पानी आ गया। अब इसमें हम फ्लोट एंड सिंक का एक ऑप्शन सोचते हैं कि मैं दो तीन बॉल ड्रॉ करती हूँ। अब मेरे को तीन सेम बॉल चाहिए, तो मैं इसको क्लोन करूंगी, इसको भी क्लोन करूंगी, इनकी कॉपी बना लेंगे। अब मेरे को इनका मटेरियल चेंज करना है, इनकी प्रॉपर्टीज, कि हमें देखना है कि फ्लोट करेंगे सिंक करेंगे। तो यहाँ से एक मैंने वुड ले लिया है, एक मैंने स्टोन ले लिया है, एक मैंने स्टील ले सकती हूँ या फिर हीलियम भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। फिर मैंने चेंज कर दिया। तो अब मैं सिमुलेशन को प्ले करूंगी और हम देखेंगे कि कौन सा इसमें फ्लोट फ्लोट कर रहा है, कौन सा सिंक करेगा। तो स्टील की और जो स्टोन की, उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है, तो वो फ्लोट सिंक कर रहे हैं, लेकिन जो वुड की डेंसिटी है वो वाटर से कम है, तो इसलिए वो फ्लोट कर रहे हैं। तो जमीन पे क्लिक करूंगी, यू कैन सी द डेंसिटी हियर इन द राइट कॉर्नर। डेंसिटी, वुड की डेंसिटी कितना है, उसका मास कितना है, फ्रिक्शन कितना है। और जब सेम मैं अगर स्टील पे क्लिक करी, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है वाटर से, सेम स्टोन की भी बहुत ज्यादा है, तो वो सारे हमारे फ्लोट करते हैं। अब जैसे बैकग्राउंड में आपको एक क्लाउड दिख रहे होंगे, इस क्लाउड को अगर चेंज करना है, तो मैं फिर से राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे नीचे ड्रॉ क्लाउड आ रहा है, उसको अगर अनचेक कर दूंगी, तो ये मेरे को बैकग्राउंड में क्लाउड्स नहीं दिखेंगे। तो ये फ्लूड से रिलेटेड है। और जैसे अगर मेरे को यहाँ से कि पानी यहाँ से निकालना है, तो अगर मेरे को कोई चीज इरेज करनी है, इरेजर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ से इसको इरेज कर देगा इतना पार्ट। तो क्या होगा कि जो अब इसमें इसको पार्ट को इरेज कर दिया, तो जो ये ऊपर वाला बॉक्स है, इसको क्या मेरे को फिक्स करना होगा ताकि ये बाहर से निकले।
हम इसमें गियर भी ऐड कर सकते हैं। तो इनकी मोटर को मैं ऑन करूंगी, सेम एक्सेल पे जाऊंगी, मोटर एंड रिवर्स, ये रिवर्स में मूव करे, एंड इसकी मोटर को मैं एक्सेल को सेलेक्ट करूंगी, मोटर। ठीक, सो यू कैन सी दीज आर मूविंग इन अपोजिट साइड। तो मैं आपको सिंपल पेंडुलम का भी बताती हूँ कि मैंने कैसे क्रिएट किया, आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, बॉब को मैं, बॉब की प्रॉपर्टी चेंज करके उसको मैं स्टील में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो अब मेरे को एक, इसको मेरे को एक चेन से या फिर रोप से अगर इसको ज्वाइन करना है, तो या इसके सेंटर से मैं ड्रॉ करूँगी इसको। तो सिमुलेशन को ऑन करा तो ये यहाँ पे अटका हुआ, तो इसको हमें इसके ऑसिलेशन को देखना है। तो अब ये है, तो इसको अगर ये ड्रैग वाले ऑप्शन से, धीरे से इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है ताकि मूव करने, ऑसिलेट करने लग जाए। सेम इसका मेरे को प्लॉट देखना है, तो मैं शो प्लॉट पे जाऊंगी, वाई एक्सिस पे मेजर काइनेटिक एनर्जी में पूछूंगी। हाँ, मेरे को एक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। मेरे को टोटल एनर्जी भी चाहिए, तो मैं इसमें भी टिक करूँ। तो इन तीनों का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके मिल जाएगा हमें। उसके अलावा अगर मेरे को ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ करना है, तो इसमें आप पैलेट देखेंगे, ऑप्टिक्स की पैलेट, तो जब उस पर क्लिक करूंगी तो ये वाला पैलेट हमें मिलेगा। तो उसमें मैं क्या करूंगी, मैं इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ही कंसेप्ट ड्रॉ कर रही हूँ। आप मतलब लाइट के और अगर ट्राई करोगे तो और काफी कुछ कर सकती है इसमें। तो मैं पॉलीगन ले सकती हूँ या फिर स्केच टूल कोई भी ले सकती हूँ, जिससे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूँ। ये इतना सही नहीं बना है, बट तो अब मेरे को इसको चेंज करना है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, इसको ग्लास में कन्वर्ट कर। ग्लास में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे सबसे नीचे में हम देखेंगे लेजर लाइट है, लेजर लाइट मैंने ली, लेकिन ये ब्लू कलर की लाइट है। तो हम क्या करेंगे, हमें व्हाइट लाइट चाहिए ताकि वो डिस्पर्स कर सके 7 कलर्स में। तो फिर से मैं इस लेजर लाइट को सेलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करने के बाद अपीयरेंसेस पे जाके मैं व्हाइट कलर चेंज करूंगी। तो यहाँ पे पैन का ऑप्शन से हम इस पैन को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते। तो आप देख सकते हैं जब मैंने व्हाइट लाइट चूज करी है, तो ये डिफरेंट 7 कलर्स में से स्प्लिट कर दिया है। अगर मैं कोई और लाइट चूज करती हूँ तो इसको डिस्पर्स नहीं कर रही है, लेकिन व्हाइट, अगर मैं व्हाइट लाइट चूज करती हूँ तो इस इनपुट 7 डिफरेंट कलर्स में हो रहा है। तो ऐसे आप ऑप्टिक्स के और भी काफी सारे कंसेप्ट है जिनको इन पे ट्राई कर सकते हैं। फिर अगेन मैं न्यू सीन पे जाऊंगी, कोई और पैलेट चूज करूंगी। तो
आप क्लास में ये भी कर सकते हैं कि अब बच्चों को भी कोई कंसेप्ट बताना है तो सिमुलेशन, अगर स्क्रीन पे ना दिखा के आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसके एनिमेशन की फॉर्म में भी स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। इवन स्टूडेंट्स को आप अगर कोई ये असाइनमेंट देना चाहते हैं, बच्चों को काफी मजा आएगा इसमें, काफी फन वे में वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, कार्टूनी मैनर है काफी, तो इसमें आप अगर करोगे तो काफी मजा आएगा बच्चों को एक्सप्लोर करने में, और क्रिएटिविटी और उनकी निखर के आएगी। और मैं आपको एक फ्रिक्शन का दिखाती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स का दिखाती हूँ कि फोर्स कैसे। अभी मैंने कोई बॉक्स ड्रॉ करा, वो स्टिल है, मूव नहीं कर रहे। अब मेरे को इसको मूव कराना है, तो मैं इसमें क्या फोर्स डालूंगी, थ्रस्टर पे क्लिक करा, नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे थ्रस्टर का ऑप्शन, थ्रस्टर टूल, तो इसको इधर मूव करेगा। अब मैं क्या थ्रस्टर पे जब राइट क्लिक करने के बाद देखोगे तो फोर्स दिखोगे, अभी इसमें 5 न्यूटन है, तो ये 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है तो ये मूव नहीं कर रहे, तो मैं अगर फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मूव, अब ये कहाँ तक मूव करेगा, मैंने थोड़ा फोर्स बढ़ाया और ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। और इसमें एक कंसेप्ट आप ये भी कर सकते हो, अगर कोई बॉक्स मेरा फ्लैट सरफेस पे रखा है उसको पुल करने में काफी मेहनत लगेगी, वहीं अगर अगर इसमें सही लगे ये बहुत आसानी से मूव कर जाएगा, तो इसमें हमारा रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये बड़ी इजीली है, पहले की हद से चल रहा है, लेकिन ये हमारा रेस्ट तो आप मोशन से रिलेटेड काफी कंसेप्ट इसमें बन जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको स्ट्रिंग का देती हूँ कि सबसे पहले सिंपल हारमोनिक मोशन से रिलेटेड कि मैंने एक पोल ड्रॉ करा, तो उसको मैंने उसका जो मटेरियल वो चेंज कर दिया, मैंने वो वुड में कन्वर्ट कर दिया, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर मैं एक मास ड्रॉ करूँ, मास एम, तो इसको इसका मटेरियल भी मैं चेंज कर सकती हूँ प्रॉपर्टीज में जाकर, वुड चाहिए वुड ही ले लेते हैं। तो अब मैं इसमें एक स्प्रिंग ज्वाइन करती हूँ, इस एंड से लेके इस एंड तक, इस मास से मैंने स्प्रिंग को ज्वाइन करती हूँ, मैं अगर इसको कंप्रेस करती हूँ, सबसे पहले मेरे को ये जो मैंने ड्रॉ कर रहा था इसको मैं फिक्स करना होगा बैकग्राउंड में, राइट क्लिक करने पे ज्योमेट्री एक्शन आएगा, इसमें ग्लू टू बैकग्राउंड, तो अब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करती हूँ, इसका मोशन देख सकती हूँ, और अगर स्ट्रेच करती
इसके अलावा मैं सिंपल आपको एक चीज ड्रॉ करें, इसमें मैंने एक्शन ड्रॉ करी, फिर मोटर, फिर कोई चीज अगर मैं सर्कल में मूव कर रही, एंड और इसको अगर मेरे को फिक्स करना है स्क्रीन पे तो वो भी हो सकता है। मूव नहीं करेगा यहाँ पे, तो मैं आपको इसमें दिखाती थी मैंने जो इसमें कुछ, यहाँ पे अगर ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप अपना कोई भी सीन जो भी आपने क्रिएट करा है उसको अगर सेव करना है, जैसे मैं बताती हूँ आपको, अगर मैंने ये सिंपल पेंडुलम वाले यूज किया, अब मेरे को अगर इसको सेव करना है तो यहाँ पे ऊपर ब्राउजर में जाऊंगी, न्यू सीन से नीचे सेव का तो ऑप्शन है, मोबाइल सेव नंबर पर एंड शेयर मोबाइल पे नंबर क्लिक, आपको सेव 63 65 एंड शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना टाइटल डाल सकते हैं सिंपल पेंडुलम, और यहाँ पे मेरा सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद अब मेरे जो भी सीन्स मैं क्रिएट कर रही हूँ वो मेरे कहाँ पे, माई सीन्स में आएंगे, माई सीन्स में जितने भी मेरे हैं ये सारे आ जाएंगे। एक मैंने ये भी क्रिएट करा था, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये थोड़ा मतलब गलत है लेकिन आप क्रिएट मतलब अगर एक्सप्लोर करोगे तो काफी सही से क्रिएट कर सकते हैं। ये रोटेशन थोड़ा उल्टा कर दिया है, और ये एल्गो बॉक्स, एल्गो बॉक्स में आपको ऑनलाइन रिपोजिटरी जितने भी लोगों ने अपने शेयर करे हुए सीन्स वो मिलेंगे, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड भी होंगे, कुछ लोगों ने गेम्स बनाए हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे हमारे फिजिक्स से ही रिलेटेड होंगे। एंड ये कंपोनेंट्स में जो जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कराए हूँ, इमेजेस डाउनलोड करिए उनका यूज करके कोई सिमुलेशन बनाइए, वो मेरे को यहाँ पे सारे दिखेंगे, एंड इसमें लेसन्स मिलेंगे मेरे सारे इससे रिलेटेड जो भी फिजिक्स होगा। अब अगर मैंने कोई सिमुलेशन बनाई है और मेरे को उस सिमुलेशन में टेक्स्ट ऐड करना है, तो जैसे अगर मैंने मान लेते हैं कि ये सिंक एंड फ्लोट की ही बनेगी, ये ब्रश है इससे भी मैं सिंक एंड फ्लोट का बना सकती हूँ, जैसे मैंने एक ऐसी बॉक्स रफली एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया और ये स्प्रिंग से एक तरह से उसको लटका दिया, हमें इसको वाटर चाहिए, एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, इसके लिए की फाइल वाटर में चेंज कर दूंगी, मेरे को और वाटर अगर चाहिए तो फिर से मैं एक कोई शेप लूंगी उसको फिर लिक्विफाई करूंगी, अब मेरे को इस सिमुलेशन का टेक्स्ट लिखना है कुछ भी, तो मैं कोई भी मैंने बॉक्स ड्रॉ करा, ड्रॉ करने के बाद फिर से राइट क्लिक करूंगा, नीचे आप देखोगे तो टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक फ्लोट एंड सिंक, आपको दिख रहा है फ्लोट एंड सिंक लिखा गया है। अब मेरे को इसका जो है कि मेरे को बॉक्स है ना, बॉक्स नहीं दिखना चाहिए कि बॉक्स में, तो और इसे सही से करने के लिए मैं इसकी विजिबिलिटी है जो बॉक्स की वो चेंज कर दूंगी, बॉक्स को मैंने सेलेक्ट करा,
एपीसीसी पे गए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, तो इसको अगर मैं फेड करना चाहूँ बॉक्स में, इससे इसके लिए ये इसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और इस और मेरे को बॉर्डर भी नहीं चाहिए, तो ड्रॉ बॉर्डर से क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर चुन दिखेंगे, और कहीं भी अगर मूव करना है तो आराम से मूव कर सकते हैं। सो आप मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम डालनी है, कोई कुछ उस एनिमेशन से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट डालना है, तो आप इजीली इसकी हेल्प से कर सकते हैं। फ्यू मोर थिंग्स आर लेफ्ट, तो अब तक अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इलेक्ट्रिक एंड सर्किट का बनाइए कोई, देखते सर हैं उसको। इसमें लिमिटेशन है, इसमें अभी इलेक्ट्रिकल अच्छा सर्किट का अच्छा नहीं बन सकता, इसमें ज्यादातर अभी ओहो फ्लूइड से रिलेटेड और ये सारा मोशन से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट बन सकते हैं। मोशन मोशन है हाँ काफी। जी, जी इलेक्ट्रिसिटी का एक जियोजेब्रा है, जियोजेब्रा में ट्राई कर सकते हैं आप जी अगर जी उसको हाँ जी, जियोजेब्रा जो मैथ्स के लिए है, अगर आप उसमें एक्सप्लोर जी करेंगे तो आप उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएट कर सकते हैं, इसमें लिमिटेशन है कि हम अच्छा, वो क्रिएट नहीं कर सकते इसमें। फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इसमें काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम लोग हाँ इसको जी करेंगे सर, लेकिन। हाँ जी वही है कि इसमें आप जितना आप इसमें ट्राई करोगे आपको उतना ही इसमें मजा आएगा और नई नई चीज आपको पता पता चलेगी इसमें। चलेगा ये एक्सप्लोर करने का है, सो जितना अधिक करने से उतना अच्छा, ये उसमें नई नई हाँ जी चीजें हाँ बनेंगी। वही, क्योंकि ये मैंने भी नोटिस करा है कि जितना आप एक्सप्लोर करोगे और आप अच्छे कंसेप्ट इसमें और बिल्डअप कर सकते हैं, इवन बच्चों को भी आप असाइनमेंट दे सकते हैं। दे सकते हैं तो फिर काफी क्रिएटिव है और देखने में भी काफी अच्छा है, ड्रॉ बहुत ही करते अच्छा, हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग मजा है ये, मजा आता है। बहुत और मजेदार है सबसे इसमें। अच्छी बात है कि हम जैसे हमको कोडिंग की जरूरत नहीं है इसमें, हाँ कोई ये तो है, कोडिंग, कोई बस हमें कोडिंग की सोचना है कि आवश्यकता। हम हाँ बस एक बार हमें सारे टूल्स का अगर पता चल जाता है तो बस हमें सोचना है कि हम कंसेप्ट कैसे इसमें कोई भी कंसेप्ट बना सकते हैं। जी, सर एक क्विज है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही इसी से रिलेटेड एल्गोरिथम। एक मिनट मैम, एक हाँ केवल जी इसमें आप तभी बताना चाह रहे थे फर्स्ट में कि हम जिस कंप्यूटर या लैपटॉप में इसको यूज करेंगे फर्स्ट, तो हाँ इस चीज को हमको उसी में करना पड़ेगा। हाँ जी सर, इसमें ये इसकी है कि जैसे अगर आपने अपने लैपटॉप में अगर इसको डाउनलोड किया, अगर आपने वहाँ पे जो भी सिमुलेशन बनाई है और वो वहाँ पे सेव करी है ठीक है, तो वो वहीं पे ही ओपन होगी, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसको डाउनलोड करके फिर आप दूसरे उसमें कोशिश कर सकते हैं अच्छा, दूसरे जैसे स्टेट आपने के जरिए। इसको इसमें आपने सेव किया है तो हाँ जी ये शेयर भी कर सकते हैं इसको या नहीं, हाँ, ये शेयर किया जा सकता शेयर का ऑप्शन भी होता है इसमें, है ना आप इवन इसमें। डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मेट है वो इसी ऐप पे ही खुल पाएगा, मतलब जो इनका अच्छा ये सॉफ्टवेयर है इसी सॉफ्टवेयर पे खुल पाएगा। और आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी एनिमेशन सिमुलेशन बना रहे हैं ना उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको वीडियो फॉर्मेट में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हर बिल्कुल, जगह जरूरी नहीं कि एल्गोडो हो सबके अच्छा पास ये जी, बार बार बिल्कुल डाउनलोड हो, बिल्कुल तो सही बोल बेटर रहे यही हैं, होगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको आप बहुत बच्चों को बढ़िया, दिखा सकते हैं। उसमें किया जा सकता है, उसको आसानी से शेयर भी किया जा सकता है, सब सब हाँ कुछ जी किया जा सकता है। हाँ जी हाँ, उसके साथ ओ आप कुछ भी कर जी सकते हैं सर। जी इससे रिलेटेड एक क्विज है, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ उसका लिंक, तो आप प्लीज वो कर लीजिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ।
हेलो मैडम, हेलो, इतनी। हाँ जी सर, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, लाइव क्विज है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है joinmyquiz.com, आप सभी को दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। जी सर, तो आपको अपने डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, उसमें joinmyquiz.com टाइप करना है। myquiz.com, ओके। हाँ जी, और इवन आप QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जैसा कन्वीनियंस लगे। joinmyquiz.com करने के बाद आपको एक ज्वाइन कोड है वो डालना होगा, 9468 00, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ हमने ज्वाइन कर लिया है इसमें। हाँ जी, जब सभी एक बार ज्वाइन कर लीजिए तो बता दीजिएगा। एंटर योर नेम है, उसके बाद है स्टार्ट। तो अभी 3 लोगों ने ज्वाइन करा है, 3 पार्टिसिपेंट्स ही है अभी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, तो आप कहेंगे उसके बाद फिर स्टार्ट में जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। मैडम, मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, हाँ जी तो सर। अगर ज्वाइंट करने जाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा नहीं सर, नहीं होगा। आप अपने गूगल में जाइए, आपका जो भी जी? ब्राउजर है उसमें जाइए, ये बंद नहीं होगा। ओके, आप नया टैब खोल लीजिए, उस नए टैब में आप ये चले जाइएगा। हेलो मैडम,
अभी 4 पार्टिसिपेंट्स ने ही ज्वाइन करा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप कर लीजिएगा। क्या मैं क्विज स्टार्ट कर सकती हूँ? अभी 4 पार्टिसिपेंट्स, और या फिर मेरे को वेट करना चाहिए? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ज्वाइन करने में। मैडम ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक सर आप कोई भी अपना ब्राउजर ओपन करके देखिए, बस उसमें आपको joinmyquiz.com टाइप करना है। हाँ ज्वाइन माई क्विज जी, डॉट कॉम ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा, आप गूगल पे। गूगल हाँ में आप टाइप गूगल पर टाइप कर लीजिए, जी, गूगल पे टाइप कर दीजिए, और अगर बहुत प्रॉब्लम तो मैं आसानी से। आपको, हाँ QR कोड मैं आपको शो कर देती हूँ, हाँ आप QR इसको कोड दे स्कैन, दीजिए। हाँ आप चलिए इसको, इसको हाँ इसके जी, इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिए सर, आप डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे। जी प्लीज अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए। मैडम कोड कौन सा है? सर गेम कोड आपको नीचे लिखा हुआ है 9468 00, 9 4 9 4 6 8 00। हाँ जी, 9 4 9 4 6 8 00। May I start the quiz or should I wait for others also? प्लीज स्टार्ट द क्विज। So, I'm starting the quiz. स्टार्ट बटन में क्लिक कर ले हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, ओके
मैं अब क्विज का टाइम ओवर हो गया है, मैं इसको एंड कर रही हूँ। तो हियर यू कैन सी द विनर। तो आई होप बोल रहा हूँ। तुम जाओ शादी बाहर।